हम एक पैसा भी नहीं देते, लोग सिर्फ प्यार और मोहब्बत से ही रहा है जी। और पिछले 50 सालों से ये जो भी मानववादी पार्टियां है, कांग्रेस, बीजेपी और कई पार्टियां, राजनीतिक दल, वो लोग ये लोगों को लूट लिया। ये लोगों को सिर्फ वोट डालने वाले मशीन बन के, ये मशीन बना के ये लोगों को ऐसे रख दिया। तो बट हम इसको अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ देंगे और अच्छा एम्प्लॉयमेंट देंगे। और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी जैसा बहन जी कुमारी मायावती ने यूपी में बहुत सारे चीज़ें किया, उसमें से कम 1% दिए तो भी ये लोग अव्वल नंबर में चले जाए। क्या मैं नेक्स्ट सीएम से बात कर रहा हूँ? जरूर, अरे वो हर काम भी जरूर हो जाएगा। बहन जी कुमारी मायावती जी ने परसों भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का सीएम का चेहरा आरएस प्रवीण कुमार करके 2-3 बार ऐलान किया है। जरूर, नो ड्रीम इज टू बिग, तो हर काम के लिए अपना टाइम होता है, जब टाइम आया तो कोई भी नहीं रख सकता। बहुजन समाज पार्टी ओटी నిరంతరం మీరు నా ఇంటికి వచ్చుడు కాదు, నేను మీ ఇంటికి వచ్చి చేతులు కట్టుకొని నిలబడతా మిత్రులారా, బరాబర్ నిలబడతా। पहले सबसे चीज ये लोगों के दिल में जो डर है वो डर को निकालना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा अहम चीज है। क्योंकि यहाँ का MLA ये लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस लगाया, ये लोगों को जेल भेज दिया, बहुत सारे सता रहे, ये लोग अपना नाम बोलने के लिए भी डर जाते। ये గుర్తుంటది రెండు చేతులు ఎత్తండి। प्रवीण कुमार को हराने के लिए चार चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, के चंद्रशेखर राव, देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। ये लोग बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आए तो भी आप कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग हमारे पीछे है, वो लोगों के पीछे धन्ना सेठ है। वो सिर्फ लोगों को घुमाने के लिए ये मैनिफेस्टो रिलीज किया, घोषणा पत्र रिलीज किया, इसमें कोई दम नहीं। लोगों को फिर एक बार 2000 रुपये बांटने का कर रहे, हम ये लोगों को 2000 करोड़ का मालिक बनाने का हमारा प्रोग्राम है। सिरपुर विधानसभा जो ये क्षेत्र है जहाँ पर इस वक्त हम यहाँ हैं, और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो महाराष्ट्र से लगी हुई है, और यहाँ पर जो सशक्त प्रत्याशी है वो है आरएस प्रवीण साहब। एक नारा यहाँ पर चल रहा है, वो नारा है आरएसपी फॉर बीएसपी। तो आरएस प्रवीण जी जो है हमारे साथ इस वक्त हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रवीण साहब, बहुत बहुत आपका यहाँ पे स्वागत है जी। बताएं कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर इस वक्त आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा लोगों का आपको प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत अच्छा है। देखिए, आप ये प्यार और मोहब्बत मिल रही है, और हम एक पैसा भी नहीं देते, लोग सिर्फ प्यार और मोहब्बत से ही रहा है जी। और पिछले 50 सालों से ये जो भी मानववादी पार्टियां है, कांग्रेस, बीजेपी और कई पार्टियां, राजनीतिक दल, वो लोग ये लोगों को लूट लिया जी जी जी। तो आज वो लोग अपना जान लिया, जो कैसे धोखा हुआ ये लोगों के साथ वो पूरा जान लिया। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा क्रांति देगा, विकास करेगा, वो लोग पूरा इसको यकीन करके आज बहुजन समाज पार्टी के पीछे आ रहा है। आप एक वेटनरी डॉक्टर रहे और उसके बाद फिर आपने जो है पुलिस IPS होकर आपने सेवा की, लोगों की जन कल्याण तो आप कर ही रहे थे, बहुत सारे लोगों की आपने सहायता की है, बहुत सारा नाम है आपका, आप तो कर ही रहे थे ये सब काम, फिर आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी, क्या लगा कि आपको राजनीति में आनी चाहिए? देखिए, बहन जी कुमारी मायावती जी ने पिछले 40 साल का संघर्ष हम वेस्ट करना नहीं चाहते जी। और माननीय श्री कांशीराम जी का योगदान, जो सैक्रिफाइस जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का और महापुरुषों का जी। जो विचारधारा है वो बहुत अहम विचारधारा है, ये देश का तकदीर बदलने वाली विचारधारा है, उसको हिफाजत करना और उसको लोगों के अंदर लेके जाना हर समाज के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है जी। तो इसीलिए मैंने वो इस्तीफा, अपना IPS नौकरी का इस्तीफा दे के मैंने बहन जी कुमारी मायावती का सैनिक बनके मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया हूँ जी जी जी। आपने जन कल्याण के बहुत सारे काम किए, जिसमें भी एजुकेशन भी है, स्पोर्ट्स भी है, म्यूजिक का भी फील्ड है, बहुत सारे फील्ड के आपने काम किया है। इसके साथ साथ जो हॉस्टल्स थे उसमें भी आपने बहुत कुछ किया है। आपको लगता है एजुकेशन और इन सब तमाम चीज़ों की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि बहुत ज़रूरत है, न केवल यहाँ पर, पूरे देश में ज़रूरत है। तो खास करके इस एरिया में तो और पिछड़े क्षेत्र बन गया ये एरिया, बिकॉज ये लोग
जो भी ये जनरल कॉन्स्टिट्यूएंस है या आरक्षण वाला कॉन्स्टिट्यूएंस नहीं है, तो ये जनरल कॉन्स्टिट्यूएंस में ये लोगों का, ये कई लोगों का पूरा देखभाल कोई ना किया, इसका जो भी संपत्ति आना था उसका घरों में उसको पूरा लूट लिए, जैसे ये लोगों को सिर्फ वोट डालने वाले मशीन बन के, ये मशीन बना के ये लोगों का ऐसा रख दिया। तो बट हम इसको अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ देंगे और अच्छा एम्प्लॉयमेंट देंगे, और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी जैसा बहन जी कुमारी मायावती ने यूपी में बहुत सारे चीज़ें किया, उसमें से कम 1% दिए तो भी ये लोग अव्वल नंबर में चले जाते। जी जी, ये बताएं कि इस वक्त पूरे प्रदेश में आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, किस तरह की स्थिति है बहुजन समाज पार्टी? अच्छा है, इससे पहले हमारा स्थिति सिर्फ 2% वोटों में थे, आज हम 10 से ज़्यादा % वोट लाने का संभावना मिल रहा है, और हर जगह भी बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवारों को अच्छा प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। हम ये लोग जैसा हमारे पास, हमारे पीछे कोई धन्ना सेठ या कोई बिजनेसमैन नहीं है, सभी लोग जैसा मजदूर लोग हमारे पीछे है, वही अपना कंट्रीब्यूशन दे के पार्टी को चला रहे। तो इस असेंबली इलेक्शंस में, चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, हमारा उम्मीद ये है कि हम डबल डिजिट फिगर में आएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पिछली बार भी इस विधानसभा क्षेत्र से कुछ इसके पहले वाले 2014 में बीएसपी का यहाँ का एमएलए, सिटिंग एमएलए बीएसपी से चुनाव लड़े और वो जीत भी लिया, ये लोग पूरा उसको यकीन करके जिताया उसको, और नेक्स्ट डे ही वो 50 करोड़ लेके बिक गए। तो ये लोग बहुत नाराज है और उसको बहुत गुस्सा में है ये लोग, क्योंकि वो अपने बैकस्टैबिंग किया पार्टी को, तो इसीलिए इस बार तो ये लोग भारी मेजॉरिटी से जिताने वाला है। क्या मैं नेक्स्ट सीएम से बात कर रहा हूँ? जरूर, अरे वो हर काम भी जरूर हो जाएगा। बहन जी कुमारी मायावती जी ने परसों भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का सीएम का चेहरा आरएस प्रवीण कुमार करके 2-3 बार ऐलान किया है। जरूर, नो ड्रीम इज टू बिग, तो हर काम के लिए अपना टाइम होता है, जब टाइम आया तो कोई भी नहीं रख सकता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। इस पीछे से हम होते हुए आए, सड़कें बहुत ख़राब हैं, बहुत छोटे कस्बे हैं, छप्पर है, तो गरीबी या बाकी समस्याएं किस तरह की हैं सिरपुर में? यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि विकास नहीं है, जीरो है। तो ये जितने भी डोमिनेंट पार्टीज है, कांग्रेस, तेलुगु देशम या अपना बीआरएस या क्या लोकल पार्टी अभी सत्ता में है, वो लोग ये एरिया को लूटने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, लोग ये लोगों का विकास करने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, इसलिए अब कहीं भी, अब अफ्रीका में भी इतना घटिया रोड आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो इसीलिए ये 001 है नंबर में, लिस्ट में, मगर विकास में तो सबसे नीचे है। तो इसीलिए मैंने ये जनरल कॉन्स्टिट्यूएंस है, आरक्षण कॉन्स्टिट्यूएंस ने, इसीलिए मैंने ये चुन लिया, यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जैसा बहन जी कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में अच्छा किया, ऐसी एक विकास हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन लिया। क्या आप जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्या उनको बता रहे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी जब आप जीत के आते हैं? तो 5-6 ऐसी चीज़ें बताइए जो विदिन 6 मंथ या विदिन 1 ईयर आप करना चाहेंगे। पहले सबसे चीज़ ये लोगों के दिल में जो डर है, वो डर को निकालना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा अहम चीज़ है, क्योंकि यहाँ का एमएलए ये लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस लगाया, ये लोगों को जेल भेज दिया, बहुत सारे सता रहे, ये लोग अपना नाम बोलने के लिए भी डर जाते, किसी अजनबी से मिलने के लिए डरते, क्योंकि वो एमएलए के जासूस हर जगह बैठे हुए हैं, पूरा जितने भी ठेकेदार है वो पूरा एमएलए का बेनामी है। और ये सबसे पहले डर निकालना एक बात है, दूसरा रोड नेटवर्क इम्प्रूव करना, रोड बिल्कुल नहीं है, और जो रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जो है तालीम, पूरा निगलेक्टेड है एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर भी जोर देना, और हेल्थ का ऊपर भी जोर देना। सबसे इम्पॉर्टेंट है रोजगारी, यहाँ का रोजगारी बिल्कुल नहीं है, हर गांव में मजदूर, और महीने साल में सिर्फ 3-4 महीने में मजदूर मिलता, और उसके बाद तो ये लोग कहीं दूसरा जगह चले जाते हैं। तो मजदूरी, रोजगारी देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रायोरिटी वही रहेगा। योगी जी भी आ रहे हैं आज, रास्ते में पता लगा, प्लस एक हॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। प्रवीण कुमार को हराने के लिए के 4 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, के चंद्रशेखर राव, देवेंद्र फडणवीस, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, ये लोग बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आए तो भी आप कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग हमारे पीछे है, वो लोगों के पीछे धन्ना सेठ है, यही खबर है, वो लोगों के बीच बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे पीछे आम जनता है। तो ये लड़ाई वो सेठों और यहाँ
जनता के बीच में लड़ाई। आपने भरोसा पत्र दिया है तो कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, उनके भी जो वादे हैं उतने ही अट्रैक्टिव जनता को नजर आ रहे हैं। बहुत हमारा भरोसा पत्र जो है बहन जी कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो भी लागू किया उसको मद्देनजर में रखते हुए हमने भरोसा पत्र जो है लोगों का सामने खड़ा कर दिया। देखो उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इतना काम किया, हम भी यही काम करने वाला है करके एक बताया। दूसरा चीज़ जो हम हमारा भरोसा पत्र जो है ऐसा लोगों को जुमला बताने के लिए हम नहीं किया, हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करके 2.5 साल रिसर्च करके भरोसा पत्र निकाला। हम एक एक प्रोग्राम के लिए कितना पैसे चाहिए और वो पैसे कहाँ से लाना, कौन सा खजाने से लाना, कैसे टैक्सेस करना, ये पूरा हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेशन है। अगर कांग्रेस के पास है तो आके डिबेट करो हमारे साथ। वो सिर्फ लोगों को घुमाने के लिए ये मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, घोषणा पत्र रिलीज़ किया, उसमें कोई दम नहीं। लोगों को फिर एक बार 2000 रुपये बांटने का कर रहे हम, ये लोगों को 2000 करोड़ का मालिक बनाने का हमारा प्रोग्राम है। कैश और शराब में वोट बहुत बिकती है कई जगह, वो पैन इंडिया प्रॉब्लम है ये। हाँ, तो आप किस कैसे चैलेंज करेंगे, बाकी लोग जो ऑफर करेंगे उसे कैसे काउंटर करेंगे? हम ये इलेक्शन कमीशन भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को बोल रहे हो शराब दिए तो मत लेना, और शराबी में अगर जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत होती है। तो इसीलिए ये लोग हर दिन शराब पिला नहीं पिलाते, साल में एक ही 5 साल में एक ही बार घर को शराब फ्री वाला शराब लेके आते। अगर उसको इतना लोगों के ऊपर इतना प्यार है तो हर दिन शराब पिलाना चाहिए ना, वही ब्लेंडर्स प्राइड, वही हाइवर्ड्स 5000 का बीर, ऐसा नहीं करते। ये लोग समझ लिया, लेकिन ये इलेक्शन एक्साइज कमीशन को भी बोल दिया हमने, इलेक्शन कमीशन को भी बोल दिया, मगर इलेक्शन कमीशन भी जो बीजेपी और बीआरएस जो कह रही है वही लागू कर रहे हैं उसमें। कोई मेरे को नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट है करके। आखिरी सवाल, यहाँ का कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, आपके पक्ष में क्या जा रहा है समीकरण? हर हमारा ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ के लोग विकास के तरफ है, यहाँ के लोग एजुकेशन का तरफ है, यहाँ के लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हर जाति में यहाँ के लोग एक विकास मांगते हैं, एक आवाज़ मांगते हैं। ये हर यहाँ के लोग पूरे ये पुलिस के जुर्म से आज़ादी मांगते हैं। तो ये लोग हम ये जाति हमारे तरफ है, वो जाति हमारे तरफ नए करके नहीं बोल सकते। हर जाति में विकास मांगने वाले लोग पूरा हमारे तरफ है और जो लूटने वाले लोग उस तरफ है। तो हमको लगता है हमारा संख्या ज़्यादा है, वो लोगों का संख्या बहुत कम है। आपकी डिमांड बहुत सारी विधानसभाओं में भी है, तो उसे कैसे कोप अप कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ भी देखना है बाकी विधानसभाओं में जाना है? ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है, मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है कि मैं बाकी विधानसभा में नहीं जा सका हूँ। लेकिन मैं जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग पूरा खाना बंद करके मेरे पीछे आ रहे हैं, तो मैं ये लोगों का आवाज़ बनने बहुत बहुत ज़रूरी अवश्य है, इसीलिए मैं ज़्यादा समय ये लोगों को दे रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं भी हवाई जहाज लेके कम से कम 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज घूमे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अगर मौका मिले तो ज़रूर मैं जाऊँगा। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम वोटर्स को? ये अच्छा मौका है, ये इतिहास ने बहुत बढ़िया मौका दिया है कि अपना ये लुटेरों को हराने के और विकास वालों को जिताने के लिए। इसीलिए आप जो 1000 रुपये 2000 रुपये वो देने वाले हैं, वो दो बीयर बॉटल्स देने वाले हैं, वो पूरा छोड़ के इस बार अपना कीमती वाला वोट हाथी के निशान पे दबाओ और खुद एक पालक बनो, पालक यानी कि खुद एक रूलर बनो। तो इसीलिए हम तेलंगाना के सभी लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगा। थैंक यू।